गुरुदेव जी को सादर प्रणाम एवं फेसबुक लाइव के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज गुरुदेव जी द्वारा नैसिल व्यवस्था के अंतर्गत इस कार्यक्रम में उपस्थित राजकीय गर्मी एवं राज्य संपदा के न्योचित व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दिया जाएगा। तो सभी मित्रों इस प्रोग्राम को आनंद उठाए और गुरुदेव जी को निवेदन करते हैं कि आज के कार्यक्रम शुरू करें। धन्यवाद। न्याय धर्म सभा के आज के भी लाइव कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनों का स्वागत है। हम लोग प्रत्येक रविवार को शाम 8 बजे ये लाइव कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। न्याय स्थापना अभियान के अंतर्गत यह कार्यक्रम संचालित है। लोगों को न्याय की सही जानकारी मिले, न्याय बोध ही सामाजिक रूपांतरकारी है। न्याय बोध के बिना कोई भी सामाजिक व्यवस्था या राष्ट्रीय व्यवस्था शुद्ध नहीं हो सकती। इसके लिए जरूरी है कि हम लोग जन जन में न्याय बोध जगाएं, इसे घर घर गांव गांव तक पहुंचाएं, दूर दराज के इलाकों तक भी न्याय का बोध जाना चाहिए। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, इसको सही और गलत का बोध हो सकता है। क्या सही क्या गलत, क्या हित क्या अहित, क्या उचित क्या अनुचित, किस बात में लाभ है किस बात में हानि है, जिंदगी की समस्त ऐसी गतिविधियों में जो दो पहलू हैं, दोनों पहलुओं के बीच में सही वाले पहलू को पहचानना और उसके अनुसार जीवन जीना। मनुष्य की सबसे पहली जरूरत है। अगर लोग सत और असत का निर्णय नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उनको भ्रम उत्पन्न होंगे, भटकाव उत्पन्न होगा और तरह तरह की तकलीफें उनके सामने गुजरेंगी, प्रस्तुत होंगी। इसी सिलसिले में न्याय धर्म सभा द्वारा न्याय प्रचार अभियान संचालित किया जा रहा है। न्याय का प्रचार ही वास्तव में न्याय की प्रतिष्ठा है। तो न्याय स्थापना अभियान न्याय के प्रचार प्रसार पर ही निर्भर है। प्रचार प्रसार का मतलब ये नहीं है कि कोई भ्रामक बात फैलाई जाए, बल्कि प्रचार प्रसार का उद्देश्य होता है न्याय के बिंदुओं की सही जानकारी। न्याय धर्म सभा 111 न्याय प्रस्तावों पर काम कर रही है जो सैद्धांतिक हैं, और पूर्णतः सैद्धांतिक होते हुए भी इसे जन सहमति के द्वारा इम्प्लीमेंट करने का न्याय धर्म सभा का कार्यक्रम है। दूसरे तमाम तक जो लोग कोई भी धरना आंदोलन क्रांति और हड़ताल जो हो रही हैं दुनिया में, अनेक प्रकार के उथल पुथल हुए हैं,
शांतिपूर्ण क्रांति की, उपद्रवपूर्ण क्रांति, नरम ढंग से की गई क्रांति की गरम ढंग से की गई क्रांति, जो भी क्रांति हो उसमें कहीं ना कहीं सार्वजनिक सहमति नहीं प्रतिष्ठित हो पाई है। देशों के संविधान लागू कर दिए गए जनता से पूछे बिना, लोकतांत्रिक राष्ट्रों में लोक से पूछे बिना यानी लोक सहमति के बिना, लोक स्वीकृति के बिना, जनमत के बिना यानी लोकमत के बिना संविधान चल रहे हैं, लागू हैं। और लोकमत को चंद लोगों के अपने मतों को ही लोकमत बना दिया गया है। मत जितना अधिक व्यापक होगा उतना वो मत सत्य के निकट होगा। कोई भी बिंदु जिस पर लोक सहमति लेनी है, अगर उसमें बहुतायत मात्रा में लोगों की सहमति अर्जित हो सके तो आप समझिए कि वो नीति सत्य के काफी निकट होगी। और पूर्णतः जो सर्वसम्मत होती है वो वास्तव में पूर्ण सत्य होती है। तो इसके लिए आवश्यक होता है कि लोगों की सहमति ली जाए और लोगों से पूछा जाए, अगर लोग सहमत हैं तो उसे लागू किया जाए। तो न्यायाधीश सभा के कोई भी प्रस्ताव बलपूर्वक लागू किए जाने का कोई कार्यक्रम इसका नहीं है। न्यायधम सभा की सरकार बनने के बाद भी, चाहे वो किसी स्टेट में हो या सेंट्रल में हो या कहीं दुनिया के किसी कोने में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी राष्ट्र में हो, यदि सरकार में प्रतिष्ठित होती है न्यायधम सभा, तो ये यदि ये पूर्ण बहुमत में वहां है और ये बिल्स पारित कर सकती है, विधेयक पारित कर सकती है, तो निश्चित रूप से ये सबसे पहले लोकतंत्र लाने को प्रयत्नशील होगी। और लोकतंत्र दुनिया में वास्तव में नहीं है, इसीलिए हमने इसको महालोकतंत्र कहा, सुप्रीम डेमोक्रेसी, नॉट सुपर, सुप्रीम डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी सामान्य हो, नॉर्मल डेमोक्रेसी, फिर एक उससे बेटर सुपर डेमोक्रेसी, फिर उससे बेहतर एक सुप्रीम डेमोक्रेसी हो सकती है। डेमोक्रेसी का अभिप्राय है कि जन सामान्य का शासन हो। क्रेसी का अभिप्राय शासन से है। यहां कि सत्ता किसकी है, यदि जनता की सत्ता हो, जन सहमति से सत्ता पर लोग नियुक्त अथवा पदच्युत होते हो, लोगों का पद नियोजन और पदच्युति यदि जन सहमति से हो, फिर एक पक्ष हुआ सत्ता का, फिर दूसरा व्यवस्था का पक्ष आता है। व्यवस्था के पक्ष में सभी नियम नीति निर्णय जो भी आते हैं प्रस्तुत होते हैं, वे जनता द्वारा पारित और खारिज किए जा सके। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से उसे सुप्रीम डेमोक्रेसी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती। तो ये द्वादश मताधिकार हैं एक्चुअली, सत्ता में तीन मत पारित, पद नियोजन के, फिर पद निरसन के, तीन तीन छह, और दूसरी तरफ व्यवस्था के नियमों नीतियों निर्णयों को
पारित और खारिज करने की। तो इन तीनों को, तीन पारित करने के, तीन खारिज करने के। तो इस तरह से छह छह बारह कुली सत्ता और व्यवस्था के छह छह कुल बारह मताधिकार, द्वादश मताधिकार, 12 वोटिंग पावर्स ये प्रतिष्ठित होते हैं। तो न्याय धर्म सभा इसे सबसे पहले प्रतिष्ठित करना चाहेगी। ये एक प्रस्ताव है जिसे न्याय धर्म सभा का 53 नंबर प्रस्ताव कहते हैं, 53। अब ये 53 नंबर जो प्रस्ताव है, ये यदि महालोकतंत्र लाता है तो बाकी के जो 110 प्रस्ताव हैं वो जनता की सहमति से ही आने वाले हैं, ये लगभग सुनिश्चित हो गया। तो जब जन सहमति से ही आने हैं तो इसलिए न्याय धर्म सभा के किसी प्रस्ताव से किसी को घबराने जैसी कोई बात नहीं। क्यों? न्याय धर्म सभा कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई दल बल छल या शस्त्र बल से या बाहुबल से या अन्य किसी बल से जबरन किसी प्रस्ताव को थोप रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो महालोकतांत्रिक संगठन है, महालोकतंत्र इसका मूल उद्देश्य है और इसके संगठन में इंटरनली ये व्यवस्था लागू है। इसे ही हमने कहा कि जनता की स्वशासन प्रणाली, जनता के ऊपर किसी अलग से, प्रजा के ऊपर किसी अलग से किसी राजनेता या राजा का, किसी राजवंश का, किसी विशेष जाति का, किसी विशेष दल का, किसी विशेष परिवार का, वंश का, किसी लिंग रंग जाति वंश किसी का भी या किसी क्षेत्र विशेष का कोई प्रभुत्व स्थापित हो, उसकी ही प्रभुसत्ता कायम रहे, उसके नियम नीति निर्णय जबरन लागू होते हों, तो वो लोकतांत्रिकता उसमें नहीं सिद्ध की जा सकती। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि जनता का शासन, जनता स्वयं शासन करे, बाहर से कोई दूसरे का शासन नहीं। अगर दूसरे का शासन होगा तो जनता को धरने आंदोलन करने पड़ेंगे। अभी आप किसानों का धरना आंदोलन चल रहा है, देख रहे हैं, पूरे दिल्ली में बवाल मचा हुआ है, पूरे देश का किसान आंदोलित है, सरकार और किसानों के बीच में टकराव चल रहा है। अब ये किसानों का टकराव है पूरी तरह से, इसकी भी गारंटी नहीं कि सारे किसान वहां पे टकराने बैठे होंगे। किसानों के कुछ लीडरान होंगे, वो वहां बैठे होंगे, किसान संगठन, किसानों का संगठन बना, तो उसमें सारे किसान किसी संगठन में शामिल नहीं। जैसे जन संगठन कोई कांग्रेस है भाजपा है तो उसमें कोई सभी पूरी जनता तो उस संगठन में है नहीं। तो ये चंद लोगों के द्वारा कोई चीज लागू करना और चंद लोगों के द्वारा उसका विरोध करना, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि 5% वर्सेस 5% ही चल रहा है कि किसानों के 5% लोग आंदोलित हैं और सरकारों में 5% आदमी जनता के घुसे हुए हों और वो 5% सरकारी तबका अलग से बन गया है और दूसरे वर्ग के 5% वो अपनी कोई अपना निजी कोई उल्लू साध रहे हों, ना कि पूरे किसानों का ही हित देख रहे होंगे, जैसा हमने कहा। और ये समाचार भी कह रहा है कि जैसे MSP 5-6% लोगों को फायदा पहुंचा रही है ऊपर की, फिर MSP लाने पर इतना जोर क्यों, आम किसान इतना इसके पीछे क्यों भाग रहा है, उसको जबरन लोग घसीट रहे हैं। 5% के फायदे के ही सारे नियम नीति निर्णय पारित होते हैं, आंदोलन भी 5% लोगों के हितों के रक्षा के लिए किए जाते हैं, भले ही उसमें गरीबों से गरीबों और बिल्कुल हर प्रकार के तबके को घसीट के लाया गया हो, उसे कई बार पता भी नहीं होता उसे क्यों लाया गया है। तो किसी गरीब किसान मजदूर इस तरह के हितों की लोग लड़ाई लड़ते लड़ते, और जैसे गरीबों की रक्षा के लिए एक इंकलाब फिल्म आई थी, उसमें एक गरीबों की रक्षा का एक
दल बनाया जाता है, कादर खान उसके लीडर हैं। अब वो उसमें दूसरी तरफ से अमिताभ बच्चन का एक करेक्टर है, वो चुनाव में उनको खड़ा कर दिया जाता है, वो जीत जाते हैं, बाद में उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है, तो लिस्ट थमा दी जाती है कि इतने लोगों को पहले ये तो ठेके दे दो और फिर इनको इनको मंत्री बना दो। तो बोले अच्छा लिस्ट पहले से ही तैयार है, अब आप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे तो अपने मंत्रिमंडल का आप इस तरह से विस्तार कर लीजिए और देख लीजिए क्या क्या काम है। पूछे इनको क्यों बनाना है, ये तो सब भ्रष्ट लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए बनाने क्योंकि इन्होंने चुनाव जीतने में काफी मदद किया, हम इनके एहसानों तले दबे हुए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये बहुत इनके सामने नीचे देखना पड़ेगा, तो इसलिए इनको ये सब अबलाइज किया जा रहा है। तो जिस जिस वर्ग से चंदा ले लेते हैं, जिस जिस संस्था से, जिस जिस व्यक्ति से, उसको फिर अबलाइज करने के लिए, वो मतलब अपना एहसान उतारने के लिए या घूस के बदले घूस देने की प्रक्रिया अपनाने के क्रम में ये चीज चल पड़ती है। तो ये समस्याएं आप देखेंगे कि ये गंभीर हैं। 5% वर्सेस 5% ये कब तक आप चलाएंगे, हर फील्ड में आप देखें। किसानों की समस्या वास्तव में हमने कहा MSP की नहीं, MLL की है। वो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को MSP कहते हैं। और हमने कहा कि मिनिमम लैंड लिमिट चाहिए, हर किसान के पास एक रिसोर्स हो प्रॉपर, तो उसके लिए वहां पर सब साइलेंट है, MSP पर काम हो रहा है और किसान भूमिहीन है, उसके पास प्रॉपर रोजगार नहीं है, जमीन है भी थोड़ी बहुत तो सिंचाई का साधन नहीं है, बिजली का कनेक्शन लगा लेता है तो तबाह हो जाता है, वो सब बड़े बड़े बिल हैं, उनको चुकाने में ही वो परेशान रहता है, बिजली तो फ्री में ही पैदा होती है, बड़े बड़े डैम बना दिए गए उससे बिजली मुफ्त में पैदा हो रही है, सिर्फ जो कर्मचारी हैं उन्हीं का वेतन चुकाया जाना है जो राजकोष से चुका देना चाहिए, तो डैम तो जीरो खर्चे पे ही है समझ लो, राजकोषी पैसे से बना, राजकोषी पैसे से कर्मचारी नियुक्त करो, वेतन दो और डैम को चलाओ फ्री में, और पूरी जनता को एटलीस्ट एक न्यूनतम, जैसे किसानों का एक न्यूनतम सीमा तक कि जितनी उसकी सिंचाई 5 एकड़ की हो जाए आसानी से, इस लिमिट तक उसको पंप की सुविधा दी जाए या नहरों की सुविधा दी जाए। तो ये सभी चीजें जब हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण ले आएंगे, न्यायोचित निष्पक्ष दृष्टिकोण ले आएंगे, तो उस समय इस तरह की बातें उठेंगी और इससे सभी लोग सहमत भी होंगे। केवल टॉप क्लास 5% के लिए ऐसा कुछ करना वो उचित नहीं है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो चंद जो ताकतवर लोग हैं, वो ताकतवर लोग अपने अपने हितों के नियम नीति निर्णय बनाते रहेंगे और उन नियमों नीतियों निर्णयों को करने के लिए आम जनता को अधिकृत नहीं करेंगे, आम जनता को इसका मताधिकार नहीं देंगे वो। और आप आश्चर्यचकित हैं, आपके देश में लोकतंत्र, आपसे वोट लिया जा रहा है और आपको मताधिकार दिया ही नहीं जा रहा है, शासन व्यवस्था के नियम नीति निर्णय वे लोग स्वयं पारित खारिज कर रहे हैं, आपको पारित खारिज करने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, और आपसे दल बल छल से वो वोट ले लेते हैं, आपसे झूठ बोल के, धार्मिकता का पाखंड ओढ़ के, आपको मंदिर मस्जिद में उलझा के, आपको तरह तरह की बातों में लालच दे के, और आपसे वोट वो ले लेते हैं,
और उसके बाद आपको आपके सभी हिताधिकार भी लूट लेते हैं और आप सिर्फ देखते रहते हैं, मजबूर होते हैं, आप उन्हें हटा भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने हटाने का भी आपको अधिकार नहीं दिया हुआ है। तो लोकतंत्र कहां हुआ? आपसे झूठ बोल के किसी ने ठग के वोट ले लिया, आपने एक उदाहरण देखा कि ट्रंप जीत के आए चुनाव, चुनाव के टाइम मुसलमानों का खूब विरोध किया उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि अमेरिका से मुसलमानों को खदेड़ ही देंगे वो, जबकि वास्तविकता थी ही नहीं। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ बाद में मुसलमान भी वही हैं, सब बात वही, ना कोई लड़ाई है ना कोई दंगा है, सब नॉर्मल चल रहा है। तो फिर आम आदमी को किसी कौम के विरुद्ध भड़का के उसे वोट ले लेना, वोट लेकर के और सत्ता हथिया लेना और 5 साल आप उनको हटाने का भी कोई प्रोविजन नहीं, उनके द्वारा बनाए गए नियमों नीतियों निर्णयों को भी खारिज करने या उन्हें पारित करने का आपको अधिकार नहीं, आप कैसी व्यवस्था में फंसे हुए, कितने मजबूर हैं आप, वो जो चाहें आपके ऊपर सब थोप करके और आपके ऐसी तैसी करते रहते हैं और आप चूं तक नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको बताया जाता है कि लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र इसमें कहां है? लोकतंत्र का एक भी लक्षण इसमें नहीं। आपको हेलमेट का कानून बना दिया जाता है और हेलमेट ना लगाने पर 10,000 रुपए आपसे वसूल सकते हैं, जितने पर महीने में कहो आपसे 10 बार ले लें जुर्माना। और हेलमेट लगाना ना लगाना ये आपको निजी फायदा या नुकसान हो सकता है, तो आपके निजी मामले में इतना दखल क्यों? वो जानते हैं कि आदमी निजी मामलों में इतना अलर्ट नहीं है, तो उससे जुर्माना खूब वसूला जा सकता है, भय उसको क्रिएट किया जा सकता है। तो जहां जहां वो जानते हैं कि आप यहां पर उतने अलर्ट नहीं रहते, आम आदमी इतना अलर्ट नहीं रहता, तो उन आम आदमी से ही सब वसूला जाता है। जो चालाक वर्ग है वो तो हेलमेट लगा के निकल जाएगा, उसको कभी नहीं, ये वसूलेंगे उसी से जो बुद्धू टाइप आम जनता जिसे कहते हैं, जो आम समाज है, जो बहुत जनरल एकदम समाज है, एकदम ऑर्डिनरी समाज है, जो बहुत ज्यादा चालाक नहीं है, उसको ही ठगने का ये सब कार्यक्रम है कि वही फंसेगा और उसी से वसूली होगी और उसके पास ही पैसा कभी नहीं होगा, उसी से जुर्माने लिए जाएंगे, उसी से पूरी टैक्स वसूली होगी, उसी वही तरह तरह के तंबाकू गांजा अफीम भांग पीने में वही बिजी रहता है और उसी से वसूली करना है, इसी पर सबसे ज्यादा टैक्सेशन है। तो जब आप देखेंगे कि ऊपर का तबका जिसको इन सब चीजों की समझ पहले से ही है, वो चालाक इतना है कि वो जानता है कि उन चीजों में उसे नहीं फंसना है, तो वो हमेशा बचा हुआ है, नीचे वाले हर टैक्स भुगत रहे, ऊपर वाले उन कलेक्टेड टैक्सों को उपभोग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आम मनुष्य जो है, आम जो जनता है, वो बहुत बुरी तरह इस चक्की में, अलोकतांत्रिक चक्की में पिस रही है। तो लोकतांत्रिक, वास्तविक लोकतंत्र चाहिए, वास्तव में एक ट्रू एंड रियल डेमोक्रेसी इज रिक्वायर्ड, ए जस्टिफिएबल डेमोक्रेसी इज रिक्वायर्ड, ए सुप्रीम डेमोक्रेसी इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर इंडिया, केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के हर कंट्री को चाहिए। अगर हम लोग एक वास्तविक लोकतंत्र नहीं ला सकते तो हम अपने देश की जनता को कभी सुखी नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो 53 नंबर का प्रस्ताव है वो ये कहता है कि बाकी सभी प्रस्ताव जनता के हाथ में स्वतः चले जाएंगे, तो ये बाकी 110 जो है, 111 में से वो सब जनता को वही बाध्यता खारिज करने हैं। और अगर न्यायधम सभा पूर्ण बहुमत में नहीं भी आती है तो भी वो इन 111 प्रस्तावों को यथासंभव लागू कराने का, दूसरी सरकारों के सत्ता में रहने पर भी यथासंभव लागू कराने का पिछले 30 साल से प्रयास करें और आगे भी करती रहेगी। डिजिटल करेंसी का हम लोग पिछले
दशकों से प्रचार कर रहे हैं, और वो एक हमारे सब रजिस्टर्ड, ये कॉपीराइटेड हैं ये सारे प्रपोजल हमारे, और इनको हमने इन सरकारों को दिया, मोदी जी को दिया, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनको दिया, फिर जब वो आगे बढ़े और केंद्र में आए तो तब भी हमने उनको दिया और कहा कि आप ये इसको इंप्लीमेंट करवाइए और इसका प्रभाव देखिए। आज भी करेंसी यदि डिजिटल हो जाए, 2016 में इसे भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया, बल्कि इसे इंप्लीमेंट करने का सारा इंतजाम भी किया, लेकिन आज तक करेंसी को डिजिटल नहीं किया। नोट 1000 के बंद किया तो 2000 के चालू कर दिया, मतलब और ज्यादा भ्रष्टाचार। वो जानबूझ के बड़े नोट का मतलब ही होता है कि सब बड़े पैमाने पर, छोटा नोट छोटा भ्रष्टाचार, बड़ा नोट बड़ा भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो। इसलिए शुद्ध यदि डिजिटल करेंसी का प्रस्ताव लागू हो जाता तो पूरी शुद्ध अर्थव्यवस्था अपने आप उत्पन्न हो जाती। तो ये न्यायाधीश सभा के सभी प्रस्ताव, डिजिटल करेंसी का या अंक मुद्रा प्रणाली लागू करने का पहला प्रस्ताव है इसमें से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरा देश पवित्र हो जाएगा, कहीं ना कोई भ्रष्टाचार बचेगा, ना कोई काला धन बचेगा, ना कोई नकली मुद्रा बचेगी, ना कोई किसी भी प्रकार का गबन घोटाला उठपटांग, ये सब समाप्त हो जाएगा, चोरी डकैती आतंक तक, आतंकवाद भी आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकेंगे। क्यों? वो सब व्हाइट पैसे से संभव नहीं, ब्लैक पैसे से होता है, और करेंसी डिजिटल हो तो ब्लैक पैसे का निर्माण नहीं होता, कोई काला धन बनता ही नहीं। वो जानबूझ के जानते हुए भी सर्वोच्च कई कंट्री हैं जहां 100% डिजिटलाइजेशन तत्काल हो सकता है, बट दे डोंट, बिकॉज वो जानते हैं कि उनके काले कारनामों का अंत हो जाएगा, तो वो इसे जबरन कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर जनता ये समझ जाए तो ये निश्चित रूप से इसमें पूर्ण बहुमत मिलेगा, और जब भी महालोकतंत्र आएगा तो डिजिटल करेंसी इमीडिएट लागू हो जाएगी, क्योंकि जनता इसे लागू करने के लिए सिर्फ उसे जानकारी चाहिए, जानकारी होते ही कि अब उसकी जेब कोई ना काट पाएगा, झट से करेंसी को डिजिटल कर देगी। आम जनता की जेब काटने के लिए ही ये लोग नोट का खेल खेलते हैं, आम जनता का चोरी चाहे जो करे, आम जनता की जेब ही कटती है। डिजिटल करेंसी में आम जनता की जेब नहीं कटेगी, और यदि आम जनता के पास पारित खारिज करने का ये अधिकार, मताधिकार प्राप्त हो जाए तो आप क्या समझते हैं, ये दुनिया तो जन्नत हो जाएगी भाई, कितनी बड़ी बात है। इसी सिलसिले में हम लोग बात कर रहे थे कि आर्थिक न्याय ही मूल न्याय, पीछे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि न्याय का कंसेप्ट अगर समझ में आ जाए तो आर्थिक ही मौलिक न्याय है, और इसी को करने के लिए फिर न्यायशील लोकतंत्र चाहिए, दूसरी तमाम बातें चाहिए। करेंसी को डिजिटलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि आर्थिक कोई भ्रष्टाचार न कर सके, ताकि आर्थिक न्याय हो सके, ये सब आर्थिक न्याय को प्रतिष्ठित करना। बाकी सभी प्रस्ताव इन्हीं बातों के लिए, केवल आर्थिक न्याय के लिए। आर्थिक न्याय आ जाए तो बाकी सभी चीजें स्वतः होने लग जाएंगी। तो सबसे बड़ा न्याय है आर्थिक न्याय, इसीलिए नंबर एक पे इसे रखा जाता है। आर्थिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय, व्यवहारिक न्याय, आध्यात्मिक न्याय, ये सामाजिक तल पर है चारों, और राष्ट्रीय तल पर एक राजनैतिक न्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। राजनैतिक न्याय के तहत ये महालोकतंत्र आता है, ये राजनैतिक न्याय कि जनता के साथ आप राजनीति माने कि शासन में जनता की भागीदारी अगर नहीं है तो फिर शासन तो एक तरफा कहीं हो रहा होगा, तो शासन में भागीदारी ही तो न्याय है, हिस्सेदारी ही तो न्याय है, तो शासन में भी भागीदारी, इसे राजनीतिक न्याय कहते हैं। वो महालोकतंत्र के रूप में हमने इसको प्रेस्क्राइब किया, इसकी हमारी पुस्तक भी उपलब्ध है, पेपर नंबर प्रस्ताव ये सरकार को भी दिया गया है। लेकिन आप देखें कि पूरी दुनिया 99% आदमी इससे सहमत होगा, 1%
1% आदमी ऐसा जो पूरी दुनिया मुट्ठी में करना चाहता है, 99% का खून पीना चाहता है, वही केवल लोकतंत्र से बचता है। और इसीलिए लोकतंत्र के नाम पर वो राजतंत्र ही चलाता है वास्तव में, पीढ़ी दर पीढ़ी, खानदान दर खानदान सब बैठते चले जाते हैं। एक तरफ लालू का वंश बैठ रहा है, एक तरफ मुलायम सिंह का वंश बैठ रहा है, एक तरफ वही वही एक ही आदमी हमेशा बैठता चला जाएगा और वही सरकार बना रहेगा हमेशा, फिर उसके खानदान के लोग कोई ना कोई सरकार बने रहेंगे। तो ये प्रक्रिया महालोकतंत्र में एक क्षण के लिए भी नहीं बनती। क्यों? एक क्षण के लिए भी कोई आदमी सत्ताधीश नहीं बन पाता। क्यों? उसके द्वारा सत्ताधीश के द्वारा तीन ही काम होते हैं, नियम नीति निर्णय करने के, विधायन मंत्रित्व और न्याय करने के, और ये तीनों जनता के हाथ में चले जाते हैं। नियम पारित खारिज करने का अधिकार, नीति पारित खारिज करने का अधिकार, निर्णय पर। तो ये अपने आप में ये चीजें स्वतः आर्थिक न्याय को जन्म दे देंगी यदि आप वास्तविक शासन व्यवस्था लाएं। और अर्थ को लूटने के लिए ही ये सारे षड्यंत्र तिकड़म किए जाते हैं लोगों के द्वारा कि उनके हाथों से सब शासनाधिकार सब छीन लिए जाते हैं। तो शासन में भागीदारी, जनता की भागीदारी, सार्वजनिक शासन होना चाहिए, इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। और ट्रू एंड रियल डेमोक्रेसी यदि होगी तो उसमें 12 मताधिकार होंगे और साथ में शासन में और प्रशासन में 12 निषेधाधिकार होंगे, उसे वीटो पावर कहते हैं। जैसे वोटिंग पावर है ऐसे वीटो पावर, शासन में वोटिंग पावर 12 और प्रशासन में प्रशासनिक उपद्रव से बचने के लिए जनता के हाथ में 12 वीटो पावर। तो ये वोटिंग पावर प्लस वीटो पावर, 24 इतने बढ़िया सूत्र हैं। ये 12-12 दोनों अधिकार अगर प्राप्त हो जाएं जनता के हाथ में तो क्या कहना, जन्नत जमीन पर उतर आएगी। कोई आर्थिक भ्रष्टाचार, कोई आर्थिक उपद्रव, कोई आर्थिक अन्याय संभव नहीं होगा। और आर्थिक चक्कर में ही ये सारी राजनीतिक षड्यंत्रकारिता चलती है। इसीलिए हमने कहा कि आर्थिक न्याय मौलिक न्याय है और साथ में इसमें आर्थिक न्याय क्या है, इसमें मूल बात जो है वो है न्यायशील रोजगार व्यवस्था, जिस पे हम लोग पिछले 3-4 एपिसोड से हम लोग बात कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक इसमें लिया गया है वो है न्यायशील राजकोषीय संसाधन। राजकोषीय संसाधन जो राजकोष है वो भी रोजगार का एक आधार है। पहला हमने बताया आपको रोजगार कृषि संसाधन, दूसरा बताया रोजगार वाणिज्यिक संसाधन, तीसरा रोजगार जो है वो राजकीय संसाधन है। राजकीय संसाधन में राजकोषीय संसाधन, राजकोष जो होता है वो राजस्व के द्वारा, टैक्सों के द्वारा, करों के द्वारा निर्माण किया जाता है और उनके द्वारा सार्वजनिक सेवाओं का संचालन किया जाता है। 4 प्रकार की सेवाएं होती हैं, जनता को शिक्षा देना, जनता को रोजगार देना, जनता को सुविधाएं देना माने आवास सड़क पानी बिजली, जनता को संरक्षण देना चिकित्सा सुरक्षा बीमा बैंकिंग आश्रय पेंशन जैसी सेवाएं। तो ये 4 सेवाएं हैं, शिक्षा रोजगार सुविधा संरक्षण, ये 4 चीजें, 4 बातें, 4 सेवाएं जनता को सार्वजनिक रूप से सुलभ कराने के लिए सर्वकार माने सार्वजनिक कार्य करने वाली संस्था जिसे अब आप सरकार कहने लगे, सिर पर सवार होकर जो कार्य करे वो सरकार और जो सिर की तरह कार्य करे अंतर है वो सर्वकार। जैसे सिर जो है काम करता है, आज तक आपको कभी शरीर पर सिर का बोझ अनुभव हुआ नहीं ना? तो सिर की तरह, सिर जो है सिर की तरह कार्य करे, सिर बोझ की तरह ना कार्य करे। तुम्हारे सिर पे अगर कोई गलत, सिर की जगह पे कोई दूसरा पत्थर लाद दिया जाए तो बोझ जरूर लगेगा, लेकिन तुम्हारा सिर कभी तुमको बोझ नहीं लगता शरीर को, है ना? तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो सिर की तरह है, सिर की तरह कार्य करता है। तो सरकार नहीं,
सर पर सवार होकर कार्य करने वाला पत्थर नहीं चाहिए, सिर की तरह कार्य करने वाला, सार्वजनिक कार्य करे, जो सिर जो है पूरे शरीर की देखरेख करता है, किसी एक की नहीं। सिर जो है ये छाती की भी और कमर की भी और पैर की भी पूरी केयरिंग करता है, और सिर अपनी भी केयरिंग करता है। कितनी बड़ी बात है। तो सिर की तरह अगर कार्य करे शासन, राजनेता नेतृत्व करता है, नेतृत्व यहां नेत्र सिर में लगे हैं, है ना। तो ये अगर नेतृत्व ना करे सिर, तो पैर को ठोकर लगेगी, पेट को ठोकर लगेगी और हाथ को भी ठोकर लगेगी, सब ठोकर खाएंगे, सब अंधेरे में तरह तरह की तकलीफें उठाएंगे, गिरेंगे पड़ेंगे, सब हड्डियां तोड़ेंगे, अपनी भी तोड़ेंगे दूसरे की भी तोड़ेंगे। इससे अच्छा है पागल सिर नहीं, साफ सुथरा सिर चाहिए, मुस्कुराता हुआ सिर चाहिए। पागल मुस्कुराता नहीं, पागल ठहाके तो लगा सकता है, मुस्कुरा नहीं सकता, प्रसन्न नहीं रह सकता। जो दुष्ट है उसमें प्रसन्नता का कोई लक्षण आज तक नहीं पाया गया। दुर्योधन ठहाके मार सकता है, अट्टहास कर सकता है, अटक अटक करके जो हंसा जाता है उसे अट्टहास कहते हैं। राक्षस हा 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 ऐसे करता है लेकिन मुस्कुराता नहीं। वो जो एक मुस्कान है, वो जो प्रसन्नता है, जो खिलखिलाहट है, वो एक अलग चीज है, वो ईमानदारी से पैदा होती है, बेईमानों के पास ही नहीं होती। तो सिर ऐसा हो जो मुस्कुराता हुआ हो, सिर ऐसा हो जो प्रसन्नता का प्रतीक हो, ऐसा प्रसन्न सिर जिस चेहरे को देख के लोगों में खौफ ना पैदा हो, जिस चेहरे को देख के आप किसी आतंकी का देखें, किसी आप जेलों में चले वहां अपराधी, उनका उनकी आंख मात्र देख के आप कांप जाएंगे, क्यों, वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। तो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए, एक हंसता हुआ नूरानी चेहरा चाहिए, और वो तुम्हें सुंदर रास्ता दिखाए, समतल भूमि पर ले जाए, उबड़ खाबड़ भूमि पर, विषम भूमि पर कौन ले जाएगा, जो नेत्र शुद्ध नहीं, जिसको प्रॉपर दिखाई नहीं देता, वो विषम भूमि पर आपको दौड़ाएगा और आपके हाथ पैर टूटेंगे, नहीं समतल भूमि पर दौड़ेगा। समत्वम न्याय उच्चते, समत्व ही न्याय है, समत्व के बिना कैसा, समत्वम योग उच्चते, समस्त संबंधों का आधार, पूरी सामाजिकता का आधार ही समत्व है, समाधिकारिता ही समत्व है, सामाजिकता ही समत्व है। तो तुम संतुलित जीवन कैसे जियोगे, तुला कहते हैं तराजू को, संतुलित हो माने दोनों पलड़े सम हो, अगर एक को शिक्षा मिलती तो उसी के समान दूसरे को शिक्षा मिले, एक नागरिक को रोजगार मिलता है तो दूसरे नागरिक को ही मिले, चार रोजगार के साधन है उसमें से आप कृषि संसाधन, वाणिज्यिक संसाधन, राजकीय संसाधन और सामाजिक संसाधन, एक समाज कोष भी होता है। तो कृषि कोष, वाणिज्य कोष, राजकोष, समाज कोष में से ये तीसरा जो है वो राजकोषीय संसाधन है। राजकोषीय संसाधन जो सार्वजनिक कार्य करता है उसका सारा जो व्यय है वो राजकोष द्वारा होता है। सरकार द्वारा किए जाने वाले इन चार सेवाओं पर जो कार्य किए जाते हैं वो राजकोषीय व्यय कहलाते हैं। उसके लिए बजट बनाया जाता है, बजट बना करके उन चारों कार्यों के लिए प्रावधान, अगर न्यायोचित बजट हो तो 25-25% चारों पे बजट बना दिया जाएगा, और जिस भी कार्य को संपादित करना है उसके लिए कर्मचारी की भी आवश्यकता होगी। तो कर्मचारी नियुक्त होंगे, जब कर्मचारी नियुक्त होंगे तो वो काम करेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा, तो घर चलाने के लिए वो तो आ गए जनता की सेवा में, राजकर्मचारी बन गए, अब जनसेवा में लगे हैं, शिक्षा दे रहे हैं जनता को, दूसरे काम दे रहे हैं जनता को, जनता को सड़क बना के दे रहे हैं जनता को, सभी पुलिस की भूमिका निभा रहे हैं, डॉक्टर की भूमिका निभा रहे हैं, सभी लोग तो अनेक प्रकार के पदों पे, राजकीय पदों पे बैठे,
अब उनका घर कैसे चलेगा? वो तो दिन भर इसमें बिजी हैं, जनसेवा के काम कर रहे हैं, तो उनका घर चलाने के लिए, उनके परिवार का जीवन यापन के लिए उनको एक समान वेतन की आवश्यकता होती है। क्यों समान? क्यों? क्योंकि इस सेवा का कोई मोल नहीं है, तो इस सेवा का तो कोई आपको शुल्क नहीं दिया जा सकता, ये सेवा निशुल्क है। जैसे आप मां बच्चों की सेवा करती है, उसका क्या मोल है? तुम्हारी नाक पूछती है तो नाक पूछने का कोई मोल ठहरा होगे? नहीं नहीं, तुम्हारी गंदगी धोती है, तुम्हारे कपड़े तक धोती है, इनका क्या मोल है? ये एक्चुअली इतना बड़ा वो तुम्हारे पीछे त्याग बलिदान है उसका, कि वो उसका तुम मोल नहीं चुका सकते। ये प्रेम का कोई मोल नहीं है, सेवा प्रेम के बिना होती नहीं है। तो जो सेवा नहीं करना चाहते हैं उनको आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सेवा वो करेंगे ही नहीं, जब करेंगे नहीं तो किस बात का वेतन? आ भी गए, सेवा भाव नहीं है, तो हर फाइल पे पैसा मांगेंगे। कर्मचारी आज सरकारी बदनाम है कि काम ही नहीं करता, कर्मचारी बदनाम है कि हर कर्मचारी भ्रष्ट है सरकारी, तो राज कर्मचारी सब भ्रष्ट हो गया, राज कर्मचारी कामचोर हो गया, आखिर ये शिकायतें क्यों आई समाज में? पूरी दुनिया में शिकायत है, सरकारी दफ्तर से काम कराना लगभग असंभव सा है, दलालों के मार्फत से काम कराना पड़ रहा है, सीधे सीधे तो वो बात ही नहीं करते आपसे। हर जगह आरटीओ में जाओ वहां दलाल है, आप कहीं भी जाओ दलाल के बिना काम ही नहीं हो रहा, आप कोर्ट में जाओ वहां दलाल है, वकील क्या है? वकील क्या है? मध्यस्थ है, दलाल को मध्यस्थ को दलाल कहते हैं। अब सोचना जरा, वकील किसी पक्ष का नहीं, वो बीच में जबरन आ गया है, आप अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं तो बोले हम इसके माध्यम से रख देंगे, वकील के माध्यम से रख, वकील माध्यम की भूमिका निभा रहा है। हर जगह दलाल चाहिए, आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, आप दलाल दलाल चाहिए आपको, आप बैंक में काम कराना चाहते हैं, लोन पास कराना चाहते हैं, उसमें उसके भी दलाल बैठे हुए, सीधे सीधे मैनेजर काम नहीं कर रहा है। आप कहीं भी आप जाइए, LIC की पॉलिसी आपको लेनी, उसके लिए भी दलाल चाहिए, एजेंट घूम रहे। अरे भैया सीधे आप जाइए ऑफिस में, जिसको लेना होगा ले लेगा, आप प्रचार कर दीजिए, जिसको करना है वो बीमा करवा लेगा, आप कहां परेशान हो रहे? कोई अनिवार्य बीमा है तो उसका अनिवार्य कानून बना लीजिए, अनिवार्य हो जाएगा, और अनिवार्य कर रहे हो तो जनता पर अनिवार्यता क्या? आप खुद ही उसका प्रीमियम जमा कर दो जो अनिवार्य कर रहा है। तो आप जब विचार करोगे तो बैंक में दलाल, बीमा में दलाल, अस्पताल में भी दलाल है, डायरेक्ट इलाज कराना मुश्किल है, हर जगह दलाल के बाद आरटीओ में दलाल है, आप डायरेक्ट अपना काम नहीं करा पा रहे। तो सरकार के दफ्तर में कहीं भी आप जाइए, आप कोई भी काम करिए, बिना दलाल के कोई काम ही नहीं हो रहा। तो हर जगह ये उल्टा क्यों हो गया? वो काम क्यों नहीं कर रहा है खुद डायरेक्ट? काम चोरी के लिए सिद्ध हो गया है। तो अब समस्या ये आती है कि काम तो कराना ही है, तो जनता किसी ना किसी दलाल के माध्यम से काम कराने लगे, पैसा दे के कराए। दलाल का मतलब है कि पैसा दे के होगा, नहीं तो दलाल की जरूरत नहीं, पैसा दे के होगा। तो अब आप सोच लीजिए कि डायरेक्ट आपका कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोर्ट में केस फंस जाए तो लाखों रुपए की फीस जमा करते करते आप थक जाएंगे। अब लीजिए, एक तो वैसे ही उसके साथ अन्याय हुआ है, ऊपर से ये और घाटा, फीस कहां से ले आए, पैसा कहां से? तो ये तो लुटेरों का ही कानून, लुटेरों के का न्यायालय, गरीबों को न्याय कैसे मिलेगा? कितने जज खुद बोले कि न्याय कहां मिलता है, न्याय तो बिकता है, जिसके पास ज्यादा पैसा है ज्यादा बड़ा वकील कर लेगा, वो जितवा देगा, वो गलत जीतेगा सही वाला हारेगा।
हर जगह लुटेरा चैंपियन, लुटेरा चैंपियन। तो ये आर्थिक तो ही है झंझट, ये आप जो ध्यान दोगे संसाधनों की मारामारी। इसीलिए हमने कहा कि संसाधनों का समुचित वितरण हो जाए। समुचित वितरण करोगे तो कृषि संसाधन कृषक को, वाणिज्यिक संसाधन वणिक को, और राजकीय संसाधन ईमानदारी से राजकर्मियों को। तो राजकोष जो है दो भाग में बढ़ जाता है, एक तो राजकर्मियों के वेतन के लिए और दूसरा सेवाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप बैंक सर्विस चला रहे हैं तो बैंक का ऑफिस चाहिए, बैंक के फर्नीचर चाहिए, बैंक में यंत्र उपकरण चाहिए, सभी चीजें चाहिए। तो अस्पताल, जैसे सरकारी अस्पताल आप खोल रहे हैं तो कर्मचारी तो नियुक्त करेंगे, साथ में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उन्हें अस्पताल की बिल्डिंग चाहिए, अस्पताल में फर्नीचर चाहिए, अस्पताल में यंत्र उपकरण चाहिए, अस्पताल में दवाइयां चाहिए, अस्पताल में और भी जाने क्या क्या लगता होगा, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक मुद्दा है, एक पहलू है, एक पक्ष है। तो दो पक्ष हुए, एक हुआ कर्मचारी का पक्ष, दूसरा पक्ष हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का, है ना। अब देखें राजकोष को दो समान भाग में आप वितरित कर लीजिए। उसमें 50% आप राजकर्मियों को वेतन के रूप में रख लीजिए प्रावधान, और 50% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कीजिए। इससे क्या होगा कि दोनों पक्षों के साथ न्याय होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी और कर्मचारियों के वेतन के साथ भी। अच्छा अब देखें, अब चूंकि कर्मचारी को जो सेवा भावी है उसी को लाया जाए ताकि वो जनता की सेवा कर सके। एक डॉक्टर जो है वो सेवा भावी नहीं है तो सेवा क्यों करेगा, वो तो झूठी रिपोर्ट बनाएगा, गलत काम करेगा। जिसका ऑपरेशन नहीं करना उसका ऑपरेशन कर देगा, जिसका करना उसका नहीं करेगा, क्यों, उसकी दूसरी लालसाएं हो सकती हैं। तो जब सेवा का भाव ही नहीं है तो सेवा क्यों करेगा वो। तो सेवा भावी लोगों को, प्रेम पूर्ण लोगों को ही, प्रेम के बिना सेवा नहीं हो सकती किसी की। बच्चों को पढ़ाना है, किलसता हुआ आदमी बच्चे पढ़ा देगा, मारेगा वो बच्चों को, डांटेगा बच्चों को, उनको जीना हराम कर देगा। तो इसलिए वहां पे जिनका जिनके जिनका हृदय सरल विनम्र उदार दयालु ऐसा सेवा भावी हो गया हो उसको लगा दो, फिर देखो सेवाएं होती हैं कि नहीं। ईक्यू चाहिए, तो ऐसे लोगों का जिनका ईक्यू विकसित है, इमोशनल कोसंट, प्रेम पूर्ण सद्भाव जिनका विकसित हो गया हो, उनको आप राजकीय पदों पर रखो, और वो सेवा के बदले वेतन नहीं चाहेंगे, परिवार निर्वाह व्यय सरकार का फर्ज है कि उनको दे दे, उनके घर को दे दे मतलब, और वहां खाना बनता रहे, उनका खाना कपड़ा रहना जीना सब चल जाए, इतना उनको एटलीस्ट औसत मध्यम दर्जे का जीवन स्तर उनका कम से कम हो। आज के हिसाब से हम देखते हैं 25 से 50 हजार के बीच एक वेतन अगर कोई तय कर दिया जाए तो लोगों का औसत मध्यम दर्जे का जीवन यापन हो जाएगा, ऐसा आज की आर्थिक परिस्थितियों में। और अगर मौद्रिक कोई फ्लक्चुएशन होता है मुद्रा के मूल्यों में, अवमूल्यन या अधिमूल्यन कुछ होता है तो वो उसके लिए एवेल्युएशन डिवेल्युएशन, तो उस आधार पर इसमें उतना ही अनुपातिक परिवर्तन आगे कर दिया करें। मतलब आज के हिसाब से यदि 50,000 रुपए का वेतन लोगों को दे दिया जाए तो निश्चित रूप से प्रत्येक राज्य कर्मचारी का घर परिवार आराम से समृद्धि पूर्वक जीवन यापन कर सकेगा, ना तो एक्स्ट्रा वैगेंसी होगी। आप अगर कोई बहुखर्ची है तो ये भी आदत खराब है, और खर्च का पैसा ही ना हो बिल्कुल ये भी ठीक नहीं। मध्यम दर्जे की जीवन धारा कम से कम आर्थिक उसको सुलभ हो। और अगर किसी को किसी भी राष्ट्र में यदि 50,000 रुपए का आज के हिसाब से यदि वेतन तय कर दिया जाता है प्रत्येक कर्मचारी का, वो चाहे आप चपरासी नियुक्त करो, चाहे राष्ट्रपति, चाहे सिपाही, और चाहे कलेक्टर, और चाहे इंस्पेक्टर, और चाहे एसपी, वो इस बात से मतलब नहीं होता, परिवार कैसे चलेगा। तो परिवार चलाने के लिए ये जीवन निर्वाह व्यय दिया जा रहा है, ना कि आपको कोई शुल्क पे किया जा रहा है। सेवाएं निःशुल्क हैं,
अब अगर शुल्क मांग रहे हो तो सेवा होती नहीं, पाखंड होगी। पाखंड पूर्ण कितनी देर तक मधुर बातें कर पाओगे? वास्तविक तो स्वभाव खराब है, तो प्रेम है नहीं, तो कहां से सेवा करोगे? इसलिए अगर आदमी प्रेम पूर्ण है तो उसको पैसा प्यार चाहिए या पैसा चाहिए? हमेशा ध्यान रखो, अगर पैसा चाहिए तो प्यार नहीं बचेगा, और प्यार चाहिए तो पैसा अपने आप कमजोर हो जाएगा, पैसे की पकड़। अगर तुम एक बच्चे को ही प्यार करते हो तो अपना पैसा, अपना, अपनी वस्तुएं ऑटोमेटिकली उसको ऑफर कर देते हो। प्यार नहीं है तो आप अपने लिए खर्च करोगे, जगत के लिए नहीं। जगत से प्यार है तो जगत के लिए करोगे। और प्रेम अगर जाग जाएगा तो सबके प्रति ही जाग जाता है। दरअसल एक से भी इस दुनिया में प्रेम करोगे तो सबसे प्रेम हो जाएगा, ये क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा हो गया। अब क्या करोगे, सब जगह एक ही जैसे रहोगे। जब कोई ये कहता है कि एक से प्रेम है बाकी से नहीं, एक से दुश्मनी है, एक से प्रेम है दूसरे से दुश्मनी है, तो इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल दुश्मनी है, इससे भी दुश्मनी ही थोड़े दिनों में दिखेगी। अगर एक डब्बे में प्रकाश है तो अंधकार नहीं रह सकता, अंधकार है तो प्रकाश नहीं रह सकता। यदि शत्रुता है तो मित्रता नहीं रह सकती, और मित्रता है तो उस डब्बे में शत्रुता नहीं टिक सकती। दो में एक ही रहता है, या प्रकाश या अंधकार, या मित्रता या शत्रुता। आपके हृदय रूपी बर्तन में दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए इसे बहुत समझ लेना चाहिए कि जब तक ओरिजिनल प्रेम पूर्ण सेवा भावी व्यक्ति नहीं है, तब तक आप उसको नियुक्त मत करो, नहीं पैसा 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 करते हुए पद को नष्ट कर देगा। राजकीय पद प्रेम का पद है, छाती का पद है, क्षत्रियत्व का पद है, उस ऐसे लोगों को उस पर नियुक्त करो। कोई जात का नहीं, कोई वंश का नहीं, कोई कुल का नहीं, कोई गोत्र का नहीं, वर्ण का चाहिए, वो प्रेम पूर्ण व्यक्ति चाहिए, छाती वाला व्यक्ति चाहिए, जिसका ये क्षेत्र विकसित हो, वही हृदय वाला व्यक्ति, दिल वाला व्यक्ति को इस पे नियुक्त किया जाए राजकीय कर्मचारी के रूप में, और उस ऐसे किसी भी पद पे उसको नियुक्त किया जाए, और वो चाहे वहां जमादार का काम ही क्यों ना कर रहा हो, वो नीचे स्वीपर से लेके राष्ट्रपति तक सारी पोस्टें राजकर्मियों की सब एक समान है। सेवा भाव प्रेम पूर्ण लोगों की पोस्टें हैं, तो उनका कोई वेतन नहीं बनता, इसलिए उनके पारिवारिक निर्वाह का व्यय समान रूप से दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को चड्डी उतनी ही लगनी है, हर बच्चा खिलौना उतना ही मांगता है, हर घर में चूल्हा वैसे ही जलाना पड़ता है, तो हर घर की जरूरत एक जैसी है भैया, उसमें ये वैषम्य की आवश्यकता नहीं है। तो वहां पर स्वीपर से लेके प्यून से लेके प्रेसिडेंट तक समान वेतन की आवश्यकता है। और ये शायद 24 नंबर प्रस्ताव है न्याय धर्मसभा का, ये न्याय प्रस्ताव नंबर 24 जो समान वेतन की बात करता है, समान वेतन को प्रतिष्ठित करने की बात करता है राज कर्मचारियों के लिए, सबके लिए नहीं, वाणिज्यिक क्षेत्र में नहीं। वाणिज्यिक क्षेत्र में अपने अपने ढंग से करो बार्गेनिंग, जिसको जहां जो करना है, और एक काम करोगे 10 करो उससे कोई, क्योंकि वहां तुम्हारा कोई सेवा भाव का कोई चक्कर नहीं, वहां तो तुम प्रोफेशनली अपना जो करना करो। लेकिन राजकीय पदों पर सेवा भाव आवश्यक है, भावनात्मक विकास आवश्यक है, प्रेम पूर्ण भाव धारा बहती हुई जिसके भीतर है उसको नियुक्त किया जाना है, उसे समान वेतन उसके घर निर्वाह के लिए चाहिए, परिवार निर्वाह के लिए चाहिए, पारिवारिक जीवन यापन के लिए चाहिए। तो ये समान वेतन का ये प्रस्ताव यदि लागू होता है तो 50,000 रुपये का आज के हिसाब से, ये इसमें ये वेरिएबल हो सकता है, परिवर्तनशील हो सकता है, इसमें समय के हिसाब से इसमें आप इम्प्रूवमेंट या डिप्रूवमेंट करते रह सकते हैं। तो आज के हिसाब से देखा जाए तो यदि 50,000 रुपए तक का वेतन लोगों को दिया जाए
प्रत्येक पद पर। और वो जो 50% है राजकोष का, वो पूरा का पूरा कर्मचारियों की संख्या से विभाजित कर दो, कर्मचारियों की संख्या से विभाजित करके, और जितना भी आता है एक कर्मचारी का वेतन, उतना प्रत्येक कर्मचारी के खाते में हर महीने की पहली तारीख को भुगतान कर दो। पहली तारीख को उसे मिल जाए तो वो पूरा महीना उससे चलाएगा, फिर आखिरी 30-31 तक, और फिर उसके बाद वो अगली 1 तारीख को फिर से उसका खाता हरा ताजा हो जाएगा, उसको कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। और हर कर्मचारी उतना ही सुखी, उतना ही समृद्ध, उतना ही उन्नत, उतना ही प्रसन्न पाया जाएगा। ये 24 नंबर प्रस्ताव है। और इसमें अभी क्या होता है, अभी ये हो रहा है कि वो जो राजकोषीय पैसा है, फंड है, जो कर्मचारियों को वेतन के रूप में दिया जाना है, वो सारा का सारा 15-20% लोग डकार जाते हैं, मैक्सिमम उसका हिस्सा 80% तक खत्म कर देते हैं, और बाकी जो 20% बचता है उसमें से शेष 80-85% आदमी को बांटा जाता है। तो ऐसी स्थिति में इतना अंतराल है कि 20% 80% खा जाएं, और 80% लोगों को 20% में बाकी बचे हुए 20% राशि में से गुजारा करना पड़े, तो ये कौन सा देश है और ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा न्याय है? अरे वो भी सेवा के लिए आया है भैया, सिपाही भी उतना ही फाइट करता है, ऐसा थोड़ी ना है कि कमिश्नर पर ही सारा खतरा है। सिपा मारा तो सिपाही ही जा रहा है, उसका परिवार तबाह है, सैनिक मारे जाते हैं, सैनिक को छोटा छोटा सैलरी देते हो, सिपाहियों को छोटा छोटा सैलरी देते हो, चपरासी दिन भर दौड़ता है, छोटा सैलरी देते हो, बाल बच्चों को न चड्डी है न बनियान घर में, अब किसी को 2,000, किसी को 2,500, किसी को 5,000, किसी को 8,000, किसी को 15,000, ऐसे टपका के आप उसको कहां जीवन चलेगा, कितना वो ग्लैमर का जीवन जी पाएगा, कितना वो सुंदर। और ग्लैमर की बात जो है, नीचे वालों को कहेंगे अरे तुम अपने कर्तव्य की बात करो, ऊपर वालों के लिए अधिकार और नीचे वालों के लिए कर्तव्य, इसीलिए ऊपर वालों को अधिकारी और नीचे वाले को कर्मचारी कहते हैं चालाक लोग। अधिकार सब ऊपर वाले के हैं, कर्तव्य सभी नीचे वाले के हैं, देख लीजिए, वो अधिकारी है और तुम कर्मचारी हो, दो भाग में बांट लिए हैं, नहीं नहीं सब कर्मचारी हो भाई, इसमें एक मालिक एक गुलाम नहीं होता। राजकीय पदों पर मालिक और गुलाम की प्रक्रिया खत्म करो, अधिकारी कर्मचारी कहना बंद करो, स्वामी दास कहना उनको बंद करो, मालिक को नौकर कहना बंद करो, अधिकारी कर्मचारी कहना बंद करो, ये सब के सब कर्मचारी, सब के सब वर्कर हैं, सब अपना अपना अपने पद पे वर्क ही कर रहे हैं। चाहे जो भी कर्म कर रहे हो, नेता है तो नेतृत्व कर्म कर रहा है, राजकर्मचारी है तो सेवा कर्म कर रहा है जनता की, वाणिज्य कर्मी है तो व्यापार उद्योग व्यवसाय जैसे कर्म कर रहा है, और कृषक है तो खेती उद्यान पशुपालन जैसे कर्मों को करता है, तो सभी कर्मचारी हैं, इसमें अधिकारी कहां से कूद पड़ता है बीच में अलग से। 1-5% आदमी मालिक बन जाता है, और 95% आदमी तक को, 95-99% तक को ये गुलाम बना लेते हैं, ये हर जगह ये प्रक्रिया है। तो इसे खत्म करने की आवश्यकता है, और उसे खत्म नहीं करना पड़ेगा, सही वाला ले आओ गलत वाला खुद ही खत्म हो जाएगा, प्रकाश लाओ अंधकार खुद ही विदा हो जाता है, गलत से लड़ना नहीं पड़ता, सही को प्रतिष्ठित करो, गलत स्वतः विदा हो जाएगा। अंधकार में कोई ताकत नहीं है, बुरे आदमी में कोई ताकत नहीं है, दुर्योधन को मारने के पीछे मत भागो, तुम सुयोधन को प्रतिष्ठित करो, दुर्योधन स्वतः मर जाता है, तुम चिंता मत करो। रावण को मारने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो जब सीता हरण हो जाएगा तब जाते हो धनुष बाण लेके, उसके पहले रावण का अत्याचार तुमको नहीं दिखता, सीता हरण के बाद ही रावण को मारने की जरूरत है,
द्रौपदी के चीर हरण के बाद ही मारोगे दुर्योधन को, उसके पहले वो ना दुशासन था ना दुर्योधन था, वो अत्याचार नहीं कर रहा था, चौतरफा अत्याचार, बचपन से उपद्रवी है। तो पहले कहां थे कृष्ण, पहले कहां थे राम? गांधी जी की जब टिकट फाड़ कर उनको ट्रेन से धक्का मार के बाहर गिरा दिया, तो पहली बार लगा कि गुलाम, पहले इनको पता नहीं था कि गुलाम, जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तब तुमको पता चलेगा। नहीं भैया, दूसरे के ऊपर जब पड़ रही ना तभी देख के समझ लो, दूसरों पर अत्याचार होता है तब तुम चुप रहते हो, अपने पर होता है तब तुम गरजने लगते हो, तुम्हारे साथ अन्याय हो तब तुम हिलते हो। तो ये अंधापन है, इस अंधेपन से ऊपर उठो, हमेशा प्रकाश को प्रतिष्ठित करो, धर्म संस्थापनार्थाय का काम करो और दुष्ट उन्मूलन स्वतः हो जाता है। हमेशा ध्यान रखें, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की हानि हो जाती है तब क्या होता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, धर्म की हानि होने पर अधर्म बढ़ता है। समझ लें, श्लोक में साफ ही है लेकिन अर्थ का अनर्थ कर देते हैं लोग, इसलिए समझ में नहीं आता आप लोगों को। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का तब उत्थान होता है, तब ऊपर उठता है, प्रकाश जब क्षीण होता है तो अंधकार ऊपर उठने लगता है, बढ़ने लगता है, समझ लें। और आप देखिए, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ा ही असुर अधम अभिमानी, धर्म की हानि होने से असुर लोग बढ़ते हैं। आप लोग सोच रहे हैं असुर लोग बढ़ते हैं तो धर्म घट जाता, नहीं नहीं, अंधकार बढ़ता है तो प्रकाश घट जाता है, ऐसा नहीं है। प्रकाश के बढ़ने से अंधकार घटता है, प्रकाश के घटने से अंधकार बढ़ता है। प्रकाश को घटने मत देना, दिया बत्ती ठीक रखो, धर्म की ज्योति जलाए रखो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो और न्याय की गंगा बहाते चलो पहले, तो ज्यादा अच्छा। तुम प्रेम का तो पाखंड करते हो, न्याय करते नहीं, न्याय के बिना प्रेम सिद्ध होता नहीं। चारों तरफ अन्याय है, तुम प्रेम पूर्ण बने घूम रहे हो, बड़े चालाक हो तुम, फर्जी प्रेम है तुम्हारा। हमेशा ध्यान रखो कि दूसरों के प्रति संवेदना को ही प्रेम कहते हैं। चौतरफा अन्याय है और तुम संवेदनशील बने टहल रहे हो, काहे के संवेदनशील, तुमको दूसरे का दर्द ही थी, समान वेदना की अनुभूति, दूसरे को जितनी पीड़ा हो रही तुमको भी हो, तो इसे संवेदना कहते हैं। संवेदना नहीं तो तुम पत्थर के समान हो, पत्थर दिल इंसान हो, पहले ही समझ जाया करो, प्रकाश बढ़ाओ। तो रावण से लड़ने जाना पड़ेगा जब सीता को उठा लेगा, पहले रावण नहीं था, पहले क्यों लड़े, चौतरफा उपद्रव है, कहीं कोई चर्चा नहीं। रावण गलत, दुर्योधन को काहे राजा बनाने पर तुले, जब अंधा राजा बन रहा था तब सब लोग कहां थे, तब कृष्ण कहां थे, पांडव कहां थे, अंधे आदमी को राजा बनाए दे रहे हो। अब अंधा आदमी जिसको खुद ही नहीं दिख रहा कौन सी फाइल पे कहां क्या लिखा है, कैसे क्या वो कौन सा ऑर्डर पास कर देगा, हा? कौन क्या पढ़ के उसे बताए दे रहा है, उसमें लिखा है जो वही पढ़ रहा है, कुछ और पढ़ रहा है, पता कैसे चलेगा। और दुनिया में बोले विश्वास पात्र से पढ़वा लेंगे, कौन है विश्वास पात्र, कोई तुम्हारा अपना आदमी तक तो कोई विश्वसनीय है नहीं। तो इस दुनिया में आंख खुली वाले नेत्रवान को नेता बनाओ, हृदयवान को राजा बनाओ, छाती काम ही नहीं कर रहे छत्ते के तो की उपाधि लिए घूम रहे हो, तो फायदा क्या होगा। प्रेम जागे तब ना तुम क्षत्रिय होगे, हृदय काम ही नहीं कर रहा है, दिल मरा हुआ है, दिल पत्थर है, प्रेम पूर्ण है ही नहीं, तो क्षत्रिय कैसे हुए तुम। और इसीलिए चौतरफा अन्याय है, क्षत्रिय चुप है, लाल साहब चुप है, ठाकुर साहब चुप है। हाँ, किसी पर अत्याचार करना हो तो देखो गाली देने गरजने पहुंच जाएंगे,
हृदय काम नहीं करेगा तो दारू पी के पहुंच जाएंगे, अब हिम्मत जुट जाएगी। तो ये सब धंधा की जरूरत नहीं है। हृदयवान प्रेमपूर्ण लोगों को राजकर्मचारी बनाओ, समान वेतन प्रदान करो, राजकोषीय संसाधन का दो भाग में वितरण करो, 50% राजकोष को इंफ्रास्ट्रक्चर पर, 50% राजकर्मियों के वेतन पर, और टोटल कर्मचारियों की संख्या से विभाजन कर दो, विभाजन करके इसका वितरण कर दो। जैसे ही उचित वितरण करोगे सबको ये समान वेतन सुलभ हो जाएगा, और कर्मचारियों के बीच का आंदोलन, धरना, हड़ताल, तनख्वाह बढ़ाओ घटाओ के रोज के झंझट ये सब समाप्त हो जाएंगे, बहुत से दुखड़े आपके दूर हो जाएंगे, बहुत सी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, कर्मचारियों की गरीबी सरकारी कर्मचारियों की दूर हो जाएगी। तो ये तीसरा संसाधन राजकर्मियों को पूरी तरह से उनके वेतन के लिए 50% आरक्षित कर दिया जाए और उसमें कोई दांव पेंच ना करे, और 50% को टोटल उनपे सब पे बांट दिया जाए और उनके घरेलू अकाउंट में इसे डाला जाए, व्यक्तिगत भी नहीं पूरे परिवार को वो वेतन दिया जाता है, पूरे परिवार के जीवन यापन के लिए। और इनको चाहे वो आर्मी में हो, पुलिस में हो, कहीं भी हो, बैंक में हो, रेलवे में हो, जहां कहीं सरकारी सेवा अगर कोई चल रही है तो वहां उनको नियुक्त किया गया है जनता की सेवा के लिए, तो वहां को जनता की सेवा करें। ये जो राजकोषीय संसाधन है, इस तरह से यदि इसका समुचित वितरण हो तो निश्चित रूप से ये तीसरा रोजगार है, और तीसरा रोजगार का यदि समुचित वितरण हो, सुयोग्य सुपात्र व्यक्ति के लिए इसको आरक्षित किया जाए, तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से समाज सुखी हो जाएगा। और अभी तो वो कृषि संसाधन भी रखे, वाणिज्यिक संसाधन भी रखे, और सरकारी पदों पे भी घुसा जा रहा है, और फिर चुनाव में लड़े ले रहा है, चारों रोजगार चारों संसाधन एक ही आदमी मुट्ठी में भरे ले रहा है। तो इस नौटंकी से ऊपर प्रति परिवार एक रोजगार के सिद्धांत को अपनाओ, चारों में से एक रोजगार उसे अनिवार्य करो और इस तरह से समुचित वितरण करो, तो सारा मामला साफ हो जाएगा। किसान को 5 एकड़ भूमि और न्यूनतम, वैश्य को, बड़े परिवार को 1 करोड़ रुपए का न्यूनतम उसे कैपिटल क्रेडिट वाणिज्यिक पूंजी प्रदान करो, फिर ये 50,000 रुपए तक का एक को वेतन प्रदान करो, 1 से 5 करोड़ रुपए तक आप उनको कैपिटल क्रेडिट दे सकते हैं, और अगर ये भुगतान करते हैं उसको लेकर के और आगे चुका देते हैं किस्तें, बिना ब्याज का ऋण होगा, इसमें कहीं कोई लागत भार नहीं, इस पर कोई टैक्स नहीं, कोई ब्याज नहीं। अब ये अगर मिले और चुका दें तो कितने भी बार आप इसको भुगतान करते रह सकते हो, और आगे ये लिमिट बढ़ा सकते हो, 1,000 करोड़ तक भी दे सकते हो। ये सब सरल है, और NDS के आते ही ये सारे रोजगारों का उचित वितरण होगा। अभी हमने 3 अभी संसाधनों की चर्चा की, चौथे संसाधन पर हम अगले रविवार को बात करेंगे। चौथा संसाधन होगा समाज कोष, नेतृत्व भत्ता। राजनेताओं को नेतृत्व भत्ता कैसे प्रदान किया जाए, कितना प्रदान किया जाए, न्यायोचित उसका स्वरूप क्या होगा, न्यायोचित इस संसाधन के वितरण की व्यवस्था क्या होगी, हम इस पर बात करेंगे अगले रविवार। तब तक के लिए सभी को विदा, और ये कार्यक्रम आज का चूंकि समय अधिक हो गया है तो समाप्त किया जा रहा है।